यार, फिर से कोई मिस्ड कॉल या मैसेजेस आया? हाँ आया है। हाँ? ऐसे लोफर को तो मुंह काला करके गधे पे बिठा के घुमाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, उसकी यही सजा है। हम लोग पुलिस स्टेशन चलते। नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाना। हाँ? मुझे कोई फोन करके मैसेजेस करके परेशान कर रहा है और तुम कहते हो पुलिस कंप्लेंट नहीं कर दिए? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? बबीता क्या कुछ भी बोल रही हो तुम, मैं डर जाऊंगा? अब उस लॉफर को तो मैं अपने हिसाब से पकड़ूंगा। बबीता ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी मैं उस लॉफर को पकड़ लूंगा, फिर ये मिस कॉल और मैसेज आना बंद हो जाएंगे। लेकिन तब तक इन मैसेज और मिस कॉल पर ध्यान मत देना। एक मिनट, आई एम एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड। तुम्हारे माइंड में आखिर चल क्या रहा है? बबीता तुम मस्त इडली बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अंजलि, अंजलि देखो कौन है। जी आई। अरे अय्यर भाई आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आइए। अरे अय्यर आओ आओ। गुड मॉर्निंग मेरा नाम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है अय्यर? कैसे हो? अरे अंजलि भाभी, एक कप चाय मिलेगा? मसाला टी प्लीज। हाँ हाँ जरूर मिलेगी। हाँ। बस अभी लाई। और अय्यर, आज सवेरे सवेरे हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए दोस्त? मेरा साहब, जो लोग अपनी लाइफ का रास्ता भूल जाते हैं वो दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम करते हैं। अरे बड़े फिलोसोफर हो रहे हो भाई, जेठालाल से फिर से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, फिर से झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मेहता साहब, बबीता के मोबाइल पर मिस कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। तो कई बार होता है मिस कॉल आ जाते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ लेकिन पूरी रात में 44 मिस कॉल और 28 मैसेजेस, दैट इज टू मच। 44 मिस कॉल्स, क्या कह रहे हो? फिर तो बबीता जी परेशान हो गई होंगी ना। हाँ। कौन कर सकता है ये? आप तो जानते हैं। जानते हो मतलब कौन? लॉफर, गवार, छोटी सोच रखने वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं। और कौन? लगता है अय्यर को जेठालाल पर डाउट है। ना दादा, आप समझाइए। मैं? हाँ आप लेखक हैं, इसके ऊपर आर्टिकल लिखी है और ऐसे नादानों को समझाइए कि किसी को भी परेशान करना अच्छी बात नहीं है। क्या है, सब लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात को समझ जाएंगे। नहीं नहीं अय्यर, मैं सोच रहा था कि कौन हो सकता है ये हरकत करने वाला। देखो हमारी जान पहचान के जो लोग हैं वो तो बड़े वेल बिहेव जेंटलमैन है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जरूर किसी ऐसे आदमी का काम है जो जान पहचान का नहीं है, किसी अनजाने व्यक्ति का काम है ये। ऐसा साहब, जमाना बहुत खराब है। वो कावत है ना, घर का बेदी लंगा ढाए। क्या अय्यर, ऐसे बिना किसी सुबूत के हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते? इसीलिए तो चुप हूँ मेहता साहब, कि सबूत नहीं है, वरना पुलिस कंप्लेंट करेगा ना तो पुलिस अपने आप सबूत ढूंढ लेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिना पुलिस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छा, वरना आखिरी रास्ता तो वही है। आखिरी रास्ता? कौन सा आखिरी रास्ता यार भाई? डाइट फूड। क्या है, पहले लोग समझते नहीं है, फिर वजन बढ़ता है, हेल्थ ठीक नहीं रहता, इसलिए आखिरी रास्ता समझकर डाइट फूड अपनाते हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा यार भाई आप। हमेशा मैं कहती हूँ कि सच में सेहत का ख्याल रखना है तो मैं कहती हूँ उस तरह डाइट फूड खाया करो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा अंजलि। अब मैं जेठालाल के घर जाकर सबूत ढूंढूंगा। लेकिन अय्यर मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोस्त ऐसी ओछी हरकत करने वालों में से नहीं है। अंजलि, ये बिस्किट के बिना चाय? बिस्किट बिस्किट तो खिलाओ अय्यर साहब को। ओहो अभी लाई। अय्यर हाँ। देखो वैसे तो तुम बड़े पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, लेकिन फिर भी मेरा एफर्ट्स बनता है कि मैं तुम्हें ये कहूं कि अय्यर ये मामला बड़ा नाजुक है, इसलिए थोड़ा रुक जाओ और उसके बाद सोच समझ के कोई भी फैसला करो।
चलो दया मैं जा रहा हूँ। तब वो कितने बार बोला फोन के साथ मस्ती नहीं बेटा। दो मिनट पापा। अरे बेटा मेरा फोन नहीं है, कस्टमर का रिपेयरिंग के लिए आया है। फोन ला इधर। तो आपको फोन दो। तू क्या स्कूल नहीं जाना है? जाना है, दो मिनट। दो बेटा। अरे अरे पापा। अरे बेटा किसी का फोन जाएगा? नींबू टप्पू के साथ लड़ रहे हैं। नींबू? मैंने आपका नया नाम रखा है। नहीं नहीं मम्मी, नींबू नहीं। थैंक यू बेटा। सब लोग स्कूल में मुझे चिढ़ाएंगे। ए टप्पू नींबू लालगड़ा इधर आ। ठीक है माँ। ठीक है ठीक है, बिठा हुआ बैठे टप्पू। खड़ा हो जा बेटा, आप बैठिए ना जरा। क्यों? माँ कह रही है बैठिए। अरे पर क्यों? माँ टप्पू के पापा नहीं मान रहे हैं। हाँ माँ से बात कीजिए। हाँ अब अच्छा। हाँ घुमाओ तीन बार। ठीक है ठीक है। एक दो तीन। अब अच्छा नींबू को फेंक दूँ? नहीं नहीं आपको नहीं, ये नींबू को। हाँ बाकी तेरी माँ का भरोसा नहीं। कुछ ना जल्दी बात खत्म करना भाई। हाँ 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 अच्छा मैं फोन रखती हूँ। थैंक यू। ओह थैंक यू। अभी मुझे तो बताओ तुम माँ बेटी मिलके मेरे ऊपर कौन सा टोटका आजमा रहे हो? हाँ वो क्या है, माँ ने कहा कि आज आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है। तो ये नींबू सर पे तीन बार घुमा के पानी में फेंक देना तो मुसीबत टल जाएगी। अरे टल जाएगी क्या, टल गई। मैंने ये नींबू तीन बार आपके सर पर घुमाया है, अब ये नींबू रास्ते में जाते वक्त कुएं में डाल देगा। अभी रास्ते में कुआ कहाँ मिलेगा मुझे? हाँ हमारे अहमदाबाद की पोल में एक मस्त बड़ा सा कुआ है। तो तू कहना क्या चाहती है, अभी दुकान जाते जाते मैं अहमदाबाद होते जाऊँ? अरे नहीं नहीं, आपने अभी पूछा ना कि कुआ कहाँ मिलेगा तो मैंने बताया। ये कुआ बुआ छोड़ भाई ये सब। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं देखिए वो कुएं को छोड़िए, पानी जरूरी है। अब एक काम कीजिए, विरार की ट्रेन में बैठिए तो रास्ते में वैसे की खड़ी मिलेगी ना, तो उसमें ये नींबू पधरा दीजिए। तुझे अभी घर में और कुछ काम नहीं है? अरे बहुत काम बाकी है। तो बिजी हो जा, बिजी हो जा। अरे टप्पू बैठा क्या इधर है बेटा, स्कूल नहीं जाना है। चलो बेटे चलो, अब चलो बाजू में ये काम चल रहा है। चलो बेटे चलो 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 चलो। अरे बाजू। सॉरी सॉरी भाई सॉरी। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र बेटा। सॉरी एरंगल। अरे लगा तो नहीं? नो इट्स ओके। अरे तुमको नहीं पूछ रहा हूँ, टप्पू को पूछ रहा हूँ। तुमको थोड़ी लगेगा भाई, जवान खड़ताल आदमी है तुम। हाँ बेटा लगा तो नहीं? नहीं पापा आई एम ओके। टप्पू बेटा कितनी बार कहा है धीरे चलो। ओके मम्मी। टप्पू मस्ती खो। आइए आइए बैठे ना यूर भाई, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बैठे बैठे बैठे। क्या बात है अय्यर भाई, आज हमारे घर पे अचानक अकेले अकेले? वो क्या है जयलाल, मेरे को ना तुम्हारे जैसा मोबाइल खरीदना है। हाँ तो आ जाओ दुकान पे दे देता हूँ। हाँ लेकिन मेरे को क्या वो मोबाइल के कुछ फंक्शन देखना। हाँ तो फंक्शन पे दुकान पे दिखा दूंगा। तो क्या जयलाल वो फंक्शन मैं यहाँ पर नहीं देख सकता? यहाँ पे वैसा ही मोबाइल तुम्हारे पास भी है ना? अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये लीजिए देखिए देखिए। हाँ। हेलो आम आदमी भाभी, एक मिनट बुलाता हूँ दया। अच्छा हाँ टप्पू अभी उतरे नीचे। ओ बच्चे लोग राह देख रहे। अरे ये टप्पू मेरा मोबाइल लेकर गेम खेलने बैठ गया था। समय तो बबीता का नंबर है ही नहीं। अरे कितना समझा, समझते नहीं ना बच्चे लोग। हाँ तो स्कूल जाने का टाइम भी ऐसा मस्ती सुस्ती है। हाँ हाँ अभी अभी उतरा है नीचे। ओके ओके थैंक यू थैंक यू।
ये साइंटिस्ट लोग का कितनी पिंजर होती है। अय्यर भाई आपको मतलब ऐसा रेडीमेड वन पीस मोबाइल नहीं चाहिए, ऐसा अलग अलग पार्ट चाहिए, आप घर पे बनाएंगे पूरा मोबाइल। क्या बोल रहे हैं आप? आपने मेरे मोबाइल को ऐसे पूरा अलग करके तहस नहस कर दिया, इसके लिए पूछ रहा हूँ। जड़ालाल, मैं ये देख रहा था कि इसमें डुअल सिम है कि नहीं। हाँ नहीं, ये तो सिंगल सिम का है। हाँ हाँ, आपका चाहो डबल सिम कार्ड वाला चाहिए? हाँ वो भी चलेगा। कोई बात नहीं, दुकान पे आ जाओ, आपको जैसा चाहिए ऐसा 7-8 पीस आप देख लेना, जो मर्जी पड़े ले लेना। अच्छा 2000 दिन में आता हूँ। ठीक, बाय, गुड मॉर्निंग। अय्यर भाई, अय्यर भाई चले गए? हाँ अभी गए। तो ये चाय आप पी लीजिए। अरे मैंने अभी एक कप तो पिया, थोड़े और लीजिए। चाय गरम है ना, पीने में टाइम लगेगा। और क्या, मुझे अभी वसई की खाड़ी होते हुए दुकान जाना है। हाँ वो भी है, तो बहुत लेट हो जाऊंगा। तो भी तू पी ले। ठीक है, चलो जय जिनेंद्र। एक मिनट जरा, जय जिनेंद्र। वाह बस बढ़िया। जेठालाल का मोबाइल तो चेक किया, उसने बबीता का नंबर डायल नहीं किया है। तो बबीता को मिस कॉल दे कौन रहा है? जेठालाल बज गया, वरना मैं तो सबको पता चलता कि उनका दोस्त सबके लिए कैसी मुसीबत खड़ी करता है। अगर सबूत मिल जाता तो पूरी सोसाइटी के सामने जेठालाल को खड़ा करके सुनाता। अय्यर भाई, बालकनी में खड़े रहकर इडली मत खाओ, कौवा हाथ में से निवाला लेके जाएगा। जेठालाल, टप्पू के पापा। एक मिनट। हाँ बोल दे। अरे आप दूसरा मोबाइल तो भूल ही गए। अरे हाँ। अच्छा और सुनिए, रुक, मैं ऊपर आता हूँ मोबाइल लेने। ये दया का भरोसा नहीं, पता नहीं क्या शिक्षा मार दे और अय्यर के सामने इज्जत का कचरा हो जाए। दूसरा मोबाइल? जेठालाल के पास दूसरा मोबाइल भी है? ये दूसरा मोबाइल तो मैंने चेक किया ही नहीं। जरूर यह दूसरे मोबाइल से ही वो बबीता को मिस कॉल करता है, इसलिए दूसरा मोबाइल का नाम सुनते ही फौरन ऊपर भागा। मैं ये दूसरा मोबाइल चेक करके रहेगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बोलो और क्या बोलना था? बस यही, जय जिनेंद्र बोलना था, बस इतना ही। अरे मुझे लगा तो कुछ उल्टा सीधा बोलेगी इसलिए मैं ऊपर आ गया, वरना मोबाइल तो मैं नीचे से भी कैच कर सकता था। इसीलिए मेरी माँ कहती है कि सामने वाले की पूरी बात सुन लो तो कोई गड़बड़ नहीं होती। दया, मैं तेरी पूरी बात सुनने का रिस्क नहीं ले सकता। ये जेठालाल अब तक आया क्यों नहीं? अय्यर साहब, कोई तारा गिरा है? तुम अपना काम करो, वरना मेरा ये हाथ तुम्हारे ऊपर गिरेगा। चलो मेरी बात करने। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ
हाँ बागा। अरे भाई तू पहले मेरी बात सुन, एक मोबाइल है रिपेयरिंग के लिए, तो जल्दी दुकान आ जा तू। हाँ नारियल के पेड़ पे नींबू। बेटा भाई सब कह रहे थे ना, अभी तक तो सब ठीक है भाई, आगे का पता नहीं। अये साहब अब तो लेकर टूथपेस्ट दे। टूथपेस्ट? अरे कल ही तो घर भिजवाया था। अय्यर साहब टूथपेस्ट से कपड़े धोते हो क्या? अरे अब्दुल भूल गया भाई, अय्यर भाई साइंटिस्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ओ टूथपेस्ट से कपड़े धो सकते हैं, कपड़े धोने के पाउडर से मुंह धो सकते हैं, बिना घड़ी का टाइम बता सकते हैं। देखना अभी अय्यर भाई क्या टाइम हुआ है? संशोधन करके बताएंगे। नहीं भाई नहीं, इतना टाइम नहीं। अरे बाप रे बहुत लेट हो गया। चलो भाई अब्दुल मैं चलता हूँ। अय्यर भाई स्टैच्यू ओवर। बहुत सीरियस हो गए आप। अरे जरा हंसो, जीवन में जरा हंसना चाहिए भाई। चलो रिलैक्स रिलैक्स। जेठालाल बहुत टाइम में जाने का है ना तुमको, एक बार तुम्हारा दूसरा मोबाइल मेरे हाथ में आने दो, फिर देखो तुम्हारा बुरा टाइम कैसे चालू होता है। अय्यर भाई टूथपेस्ट। अरे बागा तू अपने उठाई गाँव गया और दो ही दिन में वापस आ गया। नट्टू काका जमाई ससुराल में सिर्फ दो ही दिन अच्छा लगता है और मेहमान कभी कभी, और नट्टू काका बिना काम के मुझे गांव में या यहाँ कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह बागा वाह, शाबाश, क्या बात कही है तूने। तू अपने इस नट्टू काका का नाम रोशन करेगा। क्यों नट्टू काका नाम में क्या प्रॉब्लम है? नाम बदल कर रोशन क्यों रखना है? सॉरी मैं भी किनके साथ जोक कर रहा हूँ। भगत तू तो फटाफट दुकान पहुँच गया। अरे सेठ जी जैसे ही आपका फोन आया तुरंत रिक्शा पकड़ के आ गया। अरे भाई छोटे से काम के लिए इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, ये तो वही बात हो गई, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। अरे सेठ जी मैं अपने पैसे से रिक्शा में नहीं आया हूँ। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट का कमाल है। मतलब? समझाता हूँ सेठ जी, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी में कौन रिक्शा में टैक्सी में अपनी गाड़ी में कितने बजे कब किस तरफ जाने वाला होता है उसका मैंने एक टाइम टेबल बना के रखा है, इसलिए मुझे भी जब जिस तरफ जाना होता है उस हिसाब से मैं लिफ्ट ले लेता हूँ। देखा सेठ जी आखिर भतीजा किसका है? शांति शांति काम करो। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। मोबाइल रिपेयर कर दे, इसका कुछ स्पीकर नहीं चल रहा है। इससे अच्छा सेठ जी इस मोबाइल के कस्टमर को नया मोबाइल लेने को समझा दूं। क्यों ये मोबाइल तुझसे रिपेयर नहीं होगा? सेठ जी ऐसा कोई भी मोबाइल नहीं है जो ये बागा रिपेयर ना कर सके। तो फिर इससे दो फायदे होंगे सेठ जी, एक आपकी दुकान से नया मोबाइल पीस बिकेगा और दूसरा मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। नहीं तेरी बात बराबर है, धंधे में हमें अपना फायदा देखना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें ग्राहक का फायदा देखना चाहिए, तो ही क्या ग्राहक दूसरी बार हमारी दुकान में पैर रखेगा, वरना। समझ गया सेठ जी समझ गया। वाह कितने ऊंचे विचार है आपके, आप बहुत आगे जाओगे। अरे आप कहाँ जा रहे? चाय नहीं पीनी है? अरे हाँ तो चाय बोलने जा रहा हूँ। हाँ भाई तरह जेठालाल का वो दूसरा मोबाइल हाथ आ जाए तो मैं मेहता साहब को आज ही सबूत दे दूंगा, लेकिन अभी दुकान में नहीं जा सकता,
पर अभी दुकान में गया तो जयडालाल को शक हो जाएगा कि मैं उसका पीछा करते करते आया हूँ। क्या करूँ? सूंघ रहा हूँ। अरे खाना बासी है क्या ताजा, वो सूंघने से पता चलता है। ए मोबाइल सूंघने से क्या पता चलता है? पता चलता है सेठ जी, सूंघने से पता चलता है कि कोई पार्ट जला है या नहीं। उसमें भी बास अलग अलग किस्म की होती है सेठ जी। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी, समझ गया। तुझे तो भाई पुलिस में वो कुत्तों की जगह पे होना चाहिए था। आपका मतलब डॉग स्क्वाड में कुत्तों की जगह? हाँ, वो कुत्ते भी ऐसे सूंघ सूंघ के पता लगाते हैं ना बम किधर हो सब, और तू भी इधर सूंघ सूंघ के पता लगा रहा है मोबाइल में क्या तपले के। आपका विचार अच्छा है सेठ जी, लेकिन बेचारे बेजुबान जानवर के पेट पे क्यों लात मारनी? ठीक है, चलो रखो चलो रखो। बोलिए बोलिए माता साहब। हाँ जेठालाल, बात हो सकती है ना? बिजी तो नहीं हूँ अभी। बिजी दुनिया के लिए, आपके लिए 24 घंटे फ्री। बोलिए बोलिए। अच्छा जेठालाल, बताओ आजकल ये नया ड्रामा क्या चल रहा है भाई? हैं क्या मतलब कि पड़ोसियों को मिस्ड कॉल देके परेशान करते हो तुम? क्या गोल गोल बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए बोलिए सीधा। नहीं, तुमने बबीता जी को मिस्ड कॉल देके परेशान नहीं किया? एक रात में 44 मिस्ड कॉल, 28 SMS। किस बेवकूफ ने आपको यह बोला? अय्यर मेहता साहब, आप फोन चालू रखो, मैं अभी कभी सोसाइटी में आता हूँ और अय्यर को नीचे उतार के सबके सामने उसकी बैंड बजाता हूँ। जेठालाल एक मिनट पूरी बात सुन लो, शांत हो जाओ। देखो अय्यर ने डायरेक्टली मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया, वो तो बात कर रहा था, तो इनडायरेक्टली जिस तरह से बात कर रहा था मैं समझ गया कि वो तुम्हारे बारे में बात करना चाहता है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए। तभी वो सुबह मेरे घर पे नया मोबाइल खरीदने के बहाने आया था और फिर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे यहाँ आया था? इस बेवकूफ को पुलिस के पास जाके ये सब पता करना चाहिए और CID बन के खुद ही पता कर रहा है। ये अय्यर भी खुद को ACP प्रद्युमन समझ रहा है तो? लेकिन ये तो गलत है ना मेहता साहब। अभी मैं बबीता जी को मिस कॉल क्यों करूंगा? भाई जेठालाल, वैसे अय्यर का शक करना तो जायज है, तुम्हारी और अय्यर की पसंद जो मिलती जुलती है। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक रात में मैं बबीता जी को 40-50 मिस कॉल दी? आज तक मैंने कभी ऐसा किया? अच्छा हुआ ये तो आपने मुझे बता दिया, कहीं अचानक मुझे पता चलता तो मैं तो अय्यर की बैंड बजा देता। और वैसे भी मेरा मोबाइल देखने के बाद तो उसका शक दूर हो जाना चाहिए ना। क्या काम करूँ मेहता साहब, बबीता जी को मैं डायरेक्ट फोन करके सारी बात क्लियर कर दूँ? नहीं 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 नहीं, देखो देखो ये उनका पर्सनल मैटर है और तुम्हें पर्सनल होने की कतई जरूरत नहीं है जेठालाल। और देखो वैसे भी अभी सब औरतों के सब्जी लेने का टाइम है, अगर तुम कोई भी बात करोगे तो 25 सवाल होंगे, किसने बताया, कहां से पता चला, क्या बात है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी बात करना बिल्कुल ठीक नहीं। तो आप कह रहे हो अभी चुप रहना ही ठीक है? एग्जैक्टली, अभी चुप रहना ही ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करते हैं। ओके ठीक है, और थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू। सेठ जी मोबाइल रिपेयर हो गया? हो गया। हाँ आपका फोन दीजिए एक मिनट। क्यों? नहीं क्या है, वो सिम कार्ड इसमें डाल के देख लूं कि ये फोन बराबर चल रहा है कि नहीं। फटाफट करा भाई। हाँ यार भाई, यार भाई इधर। हेलो, हाँ जयंती, जयंती बागो बोलू, कैसा है तू? मैं मजे में हूँ। और खाना बना हो गया कि नहीं? क्या अभी तक सो रहा है? कितना आलसी आदमी है, बोलो 12 बजे भी सो रहा है। या बागा के सगे उसके जैसे ही है। अरे नहीं मैं भूल गया, तुम लोगों की घड़ी यहाँ से 5.5 घंटा पीछे है। सॉरी भाई सॉरी। एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट ना जयंती, होल्ड करना।
ये 5.5 घंटा पीछे घड़ी मतलब कहाँ फोन लगाया तूने? लंदन। कर कट कर, ऊपर से होल्ड कर रहा है फोन का। लंदन तूने फोन क्यों लगाया भाई? चेक करने के लिए। अरे चेक करने के लिए लंदन फोन लगाने की क्या जरूरत है? इधर दुकान में नहीं लगा सकता? अरे सेठ जी, दूर का कॉल करने से पता चलता है कि आवाज बराबर आती है कि नहीं। और दुकान में फोन करके क्या करूं? ये तो बहुत दिन से जयंती से बात नहीं हुई थी, उसी बहाने बात भी हो गई। एक कंकर से दो शिकार। शिकार तो तेरा करने की जरूरत है, है? कितने हो गया है फोन? हाँ। कितना हुआ रिपेयरिंग का? वो सेठ जी, पहली बार आपने मुझे रिपेयर। ए भाई, ए टाइम नहीं है, जल्दी बोल कितना हुआ रिपेयरिंग का। पैसा लो, निकल इधर से, चल। 200 रुपए। हेलो। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। क्या चलता हूँ? पहले ये मोबाइल में से मेरा सिम कार्ड मेरे मोबाइल में तो डाल। अरे हाँ सेठ जी, आ गए आप? हाँ। आप चाय बोलने गए थे कि चाय उगाने गए थे आसाम में? आपने मुझे चाय के लिए आसाम भेज दिया? क्या हुआ सेठ जी कि मैं चाय की दुकान पे गया ना, तो वहाँ अगल बगल की दुकान वाले भी चाय पीने आए थे। वो लोग मुझे देख के खुश हो गए, मेरी बहुत इज्जत करते हैं ना, दे लव मी वेरी मच। तो उन्होंने कहा, नटू काका, इतने दिनों बाद आपने दर्शन दिए हैं, तो आज तो हम सब साथ में बैठकर कटिंग चाय पियेंगे। तो मैं चाय पीने रह गया, जरा लेट हो गया, सॉरी। मतलब आप चाय पी कर रहे और मेरी चाय? अरे नहीं सेठ जी, आपकी चाय आ रही है ना, स्पेशल कड़क कम शक्कर। सेठ जी, मैंने अभी अभी अपनी सोसाइटी का अयर साहब को बाहर चक्कर लगाते हुए देखा। थोड़ी देर पहले मैंने भी अयर को देखा, लेकिन मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है। लेकिन अयर यहाँ, मतलब अभी भी उसे मुझ पे शक है। जाडालाल, तुम इधर? हाँ, ये मेरा ही दुकान है ना। मैं आपका दुकान ही ढूंढ रहा था। अच्छा, क्यों? वो क्या है, सुबह अपना बात हुआ था ना, मेरा को वो नया मोबाइल चाहिए। हाँ, लेकिन आप तो 2-4 दिन बाद आने वाले थे ना। हाँ, लेकिन मैंने सोचा आज ही चेक कर लो। मोबाइल का नया पीस? हाँ, तो आओ मेरा दुकान इधर ही। अनीता, ये टमाटर कितने के दिया? 40 रुपया किलो। इतने सस्ते? मुझे आज 1 किलो देना टमाटर। मुझे 2 किलो दे देना, पता नहीं फिर कब रेट बढ़ जाए। बाबा रे बाबा, इतनी डिमांड है तो कल से 50 रुपया किलो टमाटर बेचना चाहिए। What? ओ खुदा अनीता, ये टमाटर है कि शेयर बाजार के शेयर? जितनी डिमांड बढ़ती है उतनी रेट बढ़ते जाते हैं। तो क्या? हाय बबीता। हाय। अय्यर भाई, चाय पीजिए। फिर मैं आपको बढ़िया बढ़िया मोबाइल का पीस दिखाता हूँ। हाँ। अरे सेठ जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ये नटू काका किस लिए है? आइए अय्यर भाई, मैं आपको 1 से 1 बढ़िया मोबाइल दिखाता हूँ। नटू काका, शांति रखिए, आप अपना काम कीजिए। तेरा क्या है भाई? बागा। नहीं कुछ नहीं। तो निकलो। बागा। ओ भाई, मेरा मोबाइल दिया कि नहीं? आपको तो दिया। हाँ दिया। और दूसरा मोबाइल? वो क्या वहाँ रखा है? ठीक है, निकल। अच्छा अच्छा सेठ जी, और कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम होगा? बोलूंगा बोलूंगा भाई, बोलूंगा, याद है मुझे। हाँ, निकलो निकलो। लगता है ये वही दूसरा मोबाइल है जिससे जेठालाल बबीता को मिस कॉल करता है। जेठालाल, ये मोबाइल पीस भी अच्छा लग रहा है। हाँ, ये भी बढ़िया है। देखो मैं। हाँ देखो।
तब तक मैं आपको और भी दूसरे पीस निकाल के देता हूँ। हाँ इसमें सिम कार्ड नहीं अय्यर भाई? हाँ, मैंने देखा ही नहीं। लेकिन मैंने एक बात देखी। हाँ? ये मोबाइल देखने का तो एक बहाना है, बाकी बात दरअसल कुछ और ही है, नहीं? क्या बात है बबीता जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं। एक्चुअली कल रात से कोई लोफर मुझे बार बार मिस्ड कॉल देके परेशान कर रहा है। हाँ? भाई, कौन तो लबाड़? आपको किसी पे शक? सच बताइए अय्यर भाई, आपको मेरे ऊपर ही शक था ना? नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, सुबह आपने मेरे घर पे आके मेरा मोबाइल चेक किया, इधर मेरे कस्टमर का मोबाइल चेक कर रहे थे। अरे जेठालाल, लेकिन क्या उस दिन वो हमारा अब्दुल शॉप पर झगड़ा हुआ तो? अरे वो झगड़ा तो मैं उसी रात को भूल गया था। अच्छा, लेकिन उस दिन तुम बालकनी में खड़े थे मोबाइल लेकर, और मेरे को देख के वापस अंदर चले गए। कभी बताता हूँ। अरे वो तो मैं रौजी भाई को फोन कर रहा था। इसको बोलते हैं काकनू बेसू ना डालनू पड़वो। मतलब अय्यर भाई, आई एक्सप्लेन यू, दैट मींस कोइंसिडेंस। शांति शांति, देखो अय्यर भाई, ऐसा टाइम पे क्या है, खुद डिटेक्टिव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि क्या वो आदमी का इरादा के हमको पता नहीं है ना। इस वक्त वो आपके घर पे नजर रख के बैठा हो तो, इसलिए ऐसा टाइम पे सबसे बेस्ट सीधा पुलिस कंप्लेंट कर देने का। जेठालाल, मैं भी वही सोच रहा था। लेकिन पुलिस में फरियाद करने से भी क्या फायदा? तो फिर क्या करे? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, जिससे हम उस लोफर को आसानी से पकड़ सकते हैं। कैसे? हाँ? आप उस लोफर को फोन करो और फिर उसको मिलने के लिए बुलाओ। नहीं नहीं, अय्यर ने तो मुझे फोन करने के लिए मना किया है, और सच कहूँ तो मुझे भी डर लग रहा है। बरोबर है। अरे मैम साहब, इसमें डरने का क्या, मेरे को फोन दो, मैं उससे बात करती हूँ। दो। हाँ? क्या बात है? अरे दो 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 जी, काम हो रहा है। तो अभी हम लोग बबीता जी को लेकर पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, जल्दी चलिए। क्या जल्दी चलिए, आप कहाँ आ रहे? अरे क्या सेठ जी, आप भी ऐसे मामले में मेरे जैसा अनुभवी आदमी आपके साथ होना जरूरी है। आपके अनुभव की फिलहाल दुकान में जरूरत है, इसलिए आप दुकान में रहिए और काम कीजिए। चलिए चलिए चलिए, काम कीजिए। किसको फोन कर रहे? बबीता को, उसको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन बुला लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी फोन करके बबीता जी को टेंशन मत दीजिए, हम लोग पहले सोसाइटी जाते हैं, वहाँ से बबीता जी को लेकर फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे। ठीक है। एक बार ये मिस कॉल करने वाला पकड़ में आ जाए, छोड़ूंगा ना मैं उसको। उसकी वजह से आपने मेरे जैसे भले आदमी पे शक किया ना। सॉरी जेठालाल। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। आई आई भाई, बाज बाज कभी बजेगा। ये फोन भी कमाल की चीज है, जब जरूरत होती है तब कभी टाइम पे नहीं आता, और जब जरूरत नहीं होती है तो बार बार आते रहता है। वैजंती, ये क्या है, कब आएगा तुम्हारा फोन? वैजंती, मैंने तुम्हें इतने सारे मिस कॉल किए, एक बार तो फोन करो, ऐसा थोड़ी होता है। क्या करूं, उसी होटल में जाकर वापस देखता हूं, शायद वहां मिल जाए। क्या कर रहे हो पोपटलाल, अभी तक वो वहां थोड़ी बैठी होगी होटल में तुम्हारे लिए। वैजंती का फोन। हेलो।
हेलो हेलो। बहुत बड़ा दिल फेंक आशिक लगता है। कितने मिस कॉल दिए तुम्हें, तब जाकर तुम्हारा फोन आया। लगता है हमेशा तुम्हारे आसपास कोई रहा होगा। नहीं हाय। ओए ओए, तुम पंजाबी हो? नहीं नहीं, फोन पे ही मुलाकात में इतनी देर हो गई, पता नहीं आमने सामने कब होगी मुलाकात। होगी होगी हाँ होगी। नाम पूछो उसको, नाम। लेकिन पहले अपने नाम तो बता। आशिक आवारा। आशिक आवारा बोल रहा है। हे भगवान, ये घायड़ा से नाम होता क्या? रहता क्या है? हम लोग जब मिलेंगे ना तब जरूर बताऊंगा। पहले मुझे ये तो बताओ कि हम लोग कब और कहाँ मिले। हलकुट मिलने के लिए बोल रहा है। नहीं नहीं, ले। हाँ, लेकिन मिलेंगे कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा अच्छा है, लेकिन कहाँ? होटल रजनीकांत में मिलते हैं, जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। होटल रजनीकांत बोल रहा है? रजनीकांत रेस्टोरेंट जहाँ आपकी पहली मुलाकात हुई थी। ओह माय गॉड, इस रेस्टोरेंट में तो मैं और अय्यर कई बार जाते हैं। जरूर इस लोगों ने आपको वही देखा होगा। बोलो ना प्रिय, कब मिलेंगे? आज। आज ठीक है तो फिर मैं अभी आ जाता हूँ। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, कल। कल? कल का इंतजार करना बहुत मुश्किल है अब। फिर भी कितने बजे? कितने बजे पूछ रहा है? दस, दस बजे, रात को दस बजे। रात को दस बजे? सुबह 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 दस बजे। हाँ ओके, बाय बाय। तो कल की मुलाकात पक्की। मुलाकात नहीं, मुक्के और लात। अब आएगा मजा। हाँ, उस नौकर का ऐसा हाल करेंगे ना कि वो कभी अपने आप को भी मिस कॉल नहीं करेगा। सही बात। क्या कर रहे हैं? ले, ये लगता सब इधर ही है। अरे अय्यर भाई, टप्पू के पापा अब दोनों साथ में कहाँ से आ रहे हैं? वो अय्यर, मैं जयडालाल की दुकान पर गया था मोबाइल खरीदने के लिए। मोबाइल? हाँ, वो उधर आके फिर अय्यर भाई ने मुझे मिस कॉल का पूरा चक्कर बताया। बबीता जी, चलिए चलिए पुलिस स्टेशन जाते, चलिए। हाँ, वो मिस कॉल करने वाले के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने। अय्यर भाई, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या है कि हम लोगों ने अभी अभी फोन करके उस लोफर को फुसला कर कल मिलने को बुलाया है। फिर जब वो आएगा तब हम उसे पकड़ कर पुलिस में दे देंगे। हाँ, ये बराबर है। बबीता जी, कल हम सब मिलके लोफर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। बबीता जी, अभी आप फिकर मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। ये आपके साथ है, ये आपके साथ है, ये आपके साथ में, ये सब सब आपके साथ में। तो चिंता मत कीजिए। तो ठीक है, कल हम सब लोग सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं और यहाँ से साथ में चलते हैं। हाँ। वाह पोपटलाल वाह, क्या लग रहे हो तुम है? अब और इंतजार नहीं होता, 10 बजे के पहले ही वहां पहुंच जाता हूं। कल दोस्ती तो हो ही गई है, आज मैं शादी की बात कर लूंगा और कल सास ससुर को मना लूंगा। फिर पोपटलाल की शादी की शहनाई बजेगी। आज शादी की शहनाई फोन के रिंग के जैसे क्यों बज रही है?
हेलो पोपटलाल हियर। हाँ पोपटलाल। अरे मेहता साहब कैसे याद किया? लेकिन थोड़ा जल्दी है, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा जल्दी बताता हूँ भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि बबीता जी को मिस्ड कॉल देके कोई लोफर परेशान कर रहा है, तो हम सारे सोसाइटी वाले उसे पकड़ने जा रहे हैं। ओहो अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मेहता साहब मुझे आज आप प्लीज माफ कीजिए, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या है ना आज मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला मैं लेने जा रहा हूँ, आज मेरी शादी की बात होने वाली है। नहीं 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 मैं समझ गया, कोई बात नहीं, तुम अपनी शादी की तैयारियां जारी रखो, हम काफी हैं उस लोफर को पकड़ने के लिए। ओके थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। क्या बात है पोपटलाल, पोपटलाल, पोपटलाल। क्या लग रहा तुम आज है, मैं किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। तब से ये सब क्या कर रहे हो? बबीता मैंने उस लॉपर के लिए ये केमिकल बनाया है। अय्यर तुम्हारी बीवी को परेशान करने वाले में भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे? बबीता ये एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, ये केमिकल उस लॉपर की आंखों में जाएगा तो उसकी आंखें जलने लगेगी और फिर वो भागने की कोशिश भी करेगा ना तो भी भाग नहीं पाएगा। ओके बाय द वे जेठा जी तब क्या कह रहे थे कि जो तुमने उनको रोक दिया? बबीता लेट हो रहा है चलो। बबीता जी को छेड़ने वाले लफंगे, इस चप्पल से मैं तेरी ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि तुझे अपनी नानी याद आ जाएगी। यस लड़ाई की तैयारी शुरू। यस बहुत बहादुर है टप्पू के पापा जी, बहुत बहादुर है टप्पू के पापा जी, बहुत बहादुर है पापा जी, पापा जी बहुत बहादुर है टप्पू के पापा जी। विजय तिलक वहाँ जाके डर तो नहीं जाओगे ना? ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा किसी से नहीं डरता। बापूजी का नाम लेकर डराने की कोशिश मत कर। ए जेठिया। जी जी बापूजी। चल भाई चल, अभी खड़ा क्या है, सब लोग नीचे हमारी राह देख रहे हैं। हाँ चले चले चले। हाँ चल। चलो गया। अब चले। अरे हाँ तू भी आ रही है ना? हाँ। अय्यर क्या है? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ कुछ नहीं है। टूट गया, फट गई। बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर उस नालायक आशिक आवारा की ऐसी चटनी बनाएंगे ना, ऐसी चटनी बनाएंगे कि। अरे माधवी भाभी ज्यादा चटनी चटनी का नाम मत लीजिए, इधर भूख लगती है। वैसे भिड़े मास्टर हम लोग यहाँ किसकी राह देख रहे हैं? अरे डॉक्टर आदि जेठालाल गड़ा फैमिली अब तक नहीं आई है, उनकी राह देख रहे हैं। और भाई जिसकी गाड़ी में जाना है हमें वो सोड़ी वो भी कहाँ है अब तक? हाँ।
तो भाई जब तक सभी आते हैं तब तक मैं कुछ नाश्ता कर लेता हूँ। अरे भिड़े मास्टर, अगर खा पी के तैयार रहेंगे तो उस मिस कॉल मास्टर की बढ़िया से धुलाई कर पाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मजाक का वक्त है आती भाई। तो अभी क्या वक्त है? अरे अरे इधर ही है सब लोग। रोशन भी चट्टन खेलो छे खेलो कार्ट जीप लेवा गयो अभी तक नहीं है आउट हो जो से। आराम से, आराम से, आराम से। चलो भाई लेट हो रहा है यार। साथ में ये बॉक्सिंग ग्लव, उसको पकड़ के अच्छे तरीके से ढूंढ डालूंगा। छटकानी। अरे भाई सोडी, इससे धुनेंगे ना तो मर जाएगा वो। तो तो मतलब क्या सोडी, हमें उसे जान से नहीं मारना है, सिर्फ सबक सिखाना है। हाँ बराबर है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चाचा जी। तो बापूजी ये मुझे क्या अलग से बोलूं? समझ गया। चलो भाई चलो अभी। एक मिनट भाई, सब लोगों ध्यान से सुन लो कि जैसे ही हम रजनीकांत रेस्टोरेंट पहुंचने वाले होंगे सोडी की गाड़ी से उतर जाएंगे। और मेहता साहब कमाल करते हो, और ये सब चलती गड्डी से कैसे उतरेंगे? कोई बात नहीं सोडी, चलती गड्डी से नहीं उतरना है, रेस्टोरेंट से थोड़ी दूर पहले तू अपनी गाड़ी रोक देना, हम सारे लोग उतर जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट में जाके ऐसी जगह छुप जाएंगे जहाँ से वो हमें ना देख सके लेकिन हम उसे देख लें। करेक्ट है जी, चलो जी चलो। ओ एक मिनट, चलो ओ एक मिनट, पर हम उस लोफर को पहचानेंगे कैसे जी? हाँ। वो अपना आइडेंटिटी कार्ड ला के दिखाएगा सोडी हमें कि मैं ही वो लोफर हूँ जो मिस कॉल करता हूँ। ओ बराबर है जी। क्या? अरे सोडी, हम वहाँ जाके बबीता जी को कहेंगे कि उस लोफर को कॉल करें, और जैसे ही वो लोफर फोन पे बात कर रहा होगा हम उसे पहचान लेंगे कि वही है। ग्रेट हो बादशाह, आ जाओ चलो 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 चलो। अरे लेकिन वो पोपटलाल कहाँ है? अरे हाँ, ए पोपू कितने पोपू में जा रहा है? अरे भाई मैंने उसे फोन किया था, वो कहीं बिजी है, कह रहा है मैं अपनी शादी वादी की बात में बिजी हूँ। तो मैंने कहा तू रहने दे भाई, हम जाते हैं। ठीक है ठीक है, तो चलो हम लोग तो निकल रहे हैं। एक मिनट की हो गया जी, मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। एक मिनट बबीता जी, कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए बोलिए बबीता जी बोलिए। थैंक यू सो मच, आज अगर मैं और अय्यर अकेले होते तो पता नहीं उस अनजान दुश्मन से कैसे मुकाबला करते। सो थैंक यू सो मच अगेन, जो आप सब ने हमारा साथ दिया। बबीता जी, बबीता जी प्लीज ऐसा बार बार थैंक यू मत बोलिए, ऐसा घर वाले को कोई थैंक यू बोलता है? ये गोकुलधाम सोसाइटी हमारी एक घर जैसी है ना, एक फैमिली जैसी है। सही बात है, तो अब तो चले। वैजंती अभी तक क्यों नहीं आई? ओ हाँ, मैं ही जल्दी आ गया हूँ ना। मेरी शादी हो जाने के बाद मैं तूफान एक्सप्रेस में अपने ऊपर एक जबरदस्त कहानी लिखूंगा, मिस कॉल से मिसेस तक का सफर।
ये सारे लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? हाँ, शायद इतने स्मार्ट लुक के साथ ये छाता मैच नहीं कर रहा है। सॉरी दोस्त, थोड़ी देर के लिए आपको मुझसे अलग होना पड़ेगा, शादी का मामला है ना। काउंटर पर रख देता हूँ इसे। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, आप थोड़ी देर के लिए ये छाता रख सकते हैं? जरा संभल के रखिएगा। वैसे आपका नाम क्या है? मूर्ति। मूर्ति मींस आइडल। आइडल नहीं, बिजी हूँ। मेरा मतलब है मूर्ति मींस आइडल इंग्लिश में। वैसे मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। तो देखिए मूर्ति साहब, आपका ये रेस्टोरेंट मेरे लिए बहुत लकी है। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में इसे फेमस कर दूं। क्यों? वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी तो मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये ना किसी दिन मार खाएगा। क्या? बबीता जी, अभी हम मिस्टर मिस कॉल को कॉल लग। हाँ फोन लगा। ओ वैजयंती का फोन। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लगता ही है कोई है, कोई है। कुछ बोलो ना, तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए दिल बहुत तड़प रहा है। बबीता जी, हो सकता है यही हो, लेकिन फिर भी ये जया। कौन क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था। बोलो बोलो। बबीता जी, हो सकता है यही हो, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ों का कलर कंफर्म कर लो। मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? तुमने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? मस्त बोल रहे। कौन कौन? बबीता जी, आज मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ कि तुम मुझे देखते ही पहचान जाओगी। वैसे मैंने ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक पैंट, रेड कलर का शर्ट, रेड शर्ट, शर्ट भी लाल है, और चीता कलर का जैकेट पहना है। चीते कलर का जैकेट? हेलो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे अरे मुझे छोड़ो, अरे अरे छोड़ो, अरे अरे मुझे छोड़ो, अरे अरे मुझे, अरे छोड़ो। बबीता जी को मिस कॉल करता है। बबीता जी को मिस। अरे छोड़ो, अरे अरे। अभी 10 मिनट पहले मैं बोल रहा था ये मार खाएगा, देखो मार खा रहा है। अरे छोड़ो भाई, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, मैं पोपट लालू, पोपट लाल। अरे कितना मारा भाई, कोई ऐसे मारता है क्या? दुश्मन को भी कोई ऐसे नहीं मारता। नालायक, तू फोन करके परेशान कर रहा था। बापूजी मैं गारंटी लेती हूँ, पोपट भाई कोई गलत काम नहीं कर सकते। हाँ वो भी है। अरे लेकिन पहले मुझे कोई ये बताएगा कि मैंने क्या गलत काम किया है? मालूम ही नहीं है। आई जानी,
कौन सा गलत काम किया है? तुमने बबीता के मोबाइल पर एक सेंचुरी जितना मिड कर और हाफ सेंचुरी जितना मैदद किया है। और बोलने क्या गलत किया है? क्या? अरे मैंने बबीता जी को कोई मिस कॉल कोई मैसेज नहीं किया भाई। झूठ झूठ बोल रही है। यह मेरे दुकान से नया सिम कार्ड लेकर गया है। हाँ जेठालाल, लेकिन जहाँ तक वो मिस कॉल की बात है वो मैं वैजयंती को कर रहा था। तुमको वैजयंती? कौन वैजयंती? कौन वैजयंती? वैजयंती मुझे यही इसी होटल में मुझे मिली थी। ये रही देखो, यही है वैजयंती। वैजयंती प्लीज जरा यहाँ आओ प्लीज। ये वैजयंती है। वैजयंती क्या तुम इसको जानती हो? नहीं। देखो बताओ। ये भाई ये डिब्बे क्या कहानियां बना रहा है? सीधे सीधे बताओ वरना गोकुलधाम में पैर नहीं रखने दूंगा। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैजयंती क्या बोल रही हो तुम? याद करो उस दिन इसी होटल में तुमने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था और कहा था कि तुम मुझे मिस कॉल करना, मैं जब भी मौका मिलेगा तुम्हें वापस कॉल करूंगी। एक घंटे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे बाद भी कॉल करूंगी, याद करो तुमने ऐसे बोला था। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरे को सिर्फ मिस कॉल देना। ओके। मैं जब घर पे एकदम अकेली रहूंगी तब मैं तुमको एक घंटे बाद दो घंटे बाद तीन घंटे बाद चार घंटे बाद भी रिप्लाई करूंगी। हाँ लेकिन देखा 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 मैंने तुमको नहीं मूर्ति को अपना मोबाइल नंबर दिया था। लो। और उसको ही मिस कॉल करने बोला था। मूर्ति को मारो मारो मुझे सब लोग और मारो। एक मिनट भाई, अपरलाल वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम वैजयंती को मिस कॉल कर रहे थे तो वो बबीता के मोबाइल पर कॉल कैसे आया? अरे मुझे क्या मालूम भैया भाई। एक मिनट वैजयंती तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? मैं तुमको अपना मोबाइल नंबर क्यों दूं? अच्छा कोई बात नहीं, आप मत दीजिए अपना मोबाइल नंबर। पोपटलाल तुम किस मोबाइल नंबर पे कॉल कर रहे थे? वो नंबर 9580336545। फाइव थ्री? अरे भाई 54 है भाई, सावड़ा गोंधड़े सगड़ा। मेरा नंबर है 53। अरे लेकिन मैंने 54 लिखा है। पोपट भाई ये मेरा नंबर है। ये आपका नंबर है? एग्जैक्टली यही हुआ। पोपट लाल ने फोन नंबर लिखते वक्त 3 की जगह 4 लिख दिया। बेवकूफ। अब इसे लग रहा है कि वैजयंती को कॉल कर रहा है, कॉल जा रहा है बबीता जी के फोन पे। अरे गणित कच्चा है यार। क्या? नहीं कहीं नहीं। आई गॉट इट, मतलब यह सब गड़बड़ था। ए पोपटिया, तूने तो हम सब लोगों को काम पे लगा दिया। अच्छा वो हमने पुलिस को नहीं बुलाया, वरना बहुत बड़ा हंगामा हो जाता और पप्पू जेल के अंदर हो जाता। और भाई ये लड़की से बात किए बिना तूने कैसे मान लिया कि वो तुझे नंबर दे रही है? सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है। गलती है और नंबर भी गलत लिखा। और लिखा भी तो किसका? बबीता जी का। सॉरी सॉरी चाचा जी, वो क्या है ना, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखवाया तो वो हड़बड़ाहट में मैंने गलत नंबर लिख लिया, वो 53 की जगह पर 54 लिख लिया। सॉरी सॉरी बबीता जी, आई एम वेरी सॉरी। सब गोकुलधाम वासियों को मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ। अब किसी को भी मिस कॉल करना कैंसल कैंसल कैंसल। गुड। ठीक है पोपटलाल, हम सबसे तो माफी मांग ली, लेकिन जरा मिस वैजयंती और मिस्टर मूर्ति से भी माफी मांग लो। पहचानता है इनको? कर्टसी कर्टसी। मिस वैजयंती, मिस्टर मूर्ति, मैं आप दोनों को भी हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ। इट्स ओके। थैंक यू। भगवान जल्दी से पोपट भाई की शादी करवा दो वरना वो ऐसे ही घोटाला करते रहेंगे। पोपट भाई आपकी शादी हो जाएगी, बस थोड़ी सी धीरज रखिए। हाँ पोपट भाऊ जी। अरे क्या धीरज रखिए, इतने सालों से बस आप लोग मुझे धीरज ही दे रहे हैं। अरे मेरी शादी के लिए भी कुछ कीजिए। पोपट
भाई चलो चलो, आपकी शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी तो घर पे जाकर रसोई बनानी है। अरे भाई अब यहाँ आ ही गए हैं तो यहीं खा लेते हैं, वैसे भी बहुत भूख लगी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ। भाई वैसे डॉक्टर हाथी की बात गलत नहीं है, इतना परिश्रम किया है आज तो अब भूख लग गई है, खाना खा लेते हैं। चलो भाई चला जड़ा लाल, कहना कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना है, मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। क्यों अब आपको क्या हुआ? अरे ये अय्यर भाई ने जेठालाल, जेठालाल क्या जेठालाल, जेठालाल बताना था मुझे, सबको बताऊंगा मैं। ये अय्यर भाई ने मुझ पे शक किया था कि मैं बबीता जी को मिस कॉल दे रहा हूँ। ओके भाई व्हाट यस मत जी। क्या मैं क्या क्या हो जाए क्या 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 बबीता जी आप ही बताइए, मैं आपको मिस कॉल क्यों दूंगा जब मैं आपको डायरेक्ट फोन कर सकता हूँ। जेठा जी अय्यर की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे बबीता जी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। जयडलाल मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी बस सॉरी, इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद सॉरी। जेठालाल गुस्सा थूक दो, और तुम तो कितने मैच्योर हो यार, तुमने खुद समझदारी से काम लिया और तुमने कहा कि मैं अय्यर का साथ दूंगा, उस आदमी को पकड़ूंगा जिसने मिस कॉल किए, और अब फिर से वो बात लेके बैठ गए। हाँ वो मैंने अय्यर भाई का साथ इसलिए दिया ताकि मैं अपने माथे पे जो कलंक लगाया इन्होंने वो मैं मिटा सकूं, और अय्यर भाई को पता चले कि मिस कॉल करने वाला मैं नहीं कोई और है। मुझ जैसे भले इंसान पर देखिए कितना बड़ा इल्जाम लगाया बबीता जी। जीठा जी I'm really very sorry. प्लीज अरे बबीता जी आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। चलो चलो भाई वेरी गुड जेठालाल, जेठालाल मान गए, चलो खाना खाते। वेरी गुड। नहीं नहीं भाई एक मिनट मैं अभी माना नहीं हूँ, अरे लेकिन मान सकता हूँ एक शर्त पर। क्या? आज का ये खाने का बिल अगर अय्यर भाई दे तो। बिल अय्यर भाई देंगे फिर ये तय हुआ, खाना हम लोग यही खाएंगे। चलिए चलिए।